हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि पॉडकास्ट की सीरीज कंटिन्यू लेते आया हूँ, लगभग सातवां एपिसोड आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आज का जो एपिसोड है, इसमें आपको पता चलेगा कि यार अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, हमें एक्चुअली में पता ही नहीं कि जाना किधर पे। सिविल इंजीनियरिंग्स में भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेज लोग ले रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट पंकज सिंह आप सबके साथ जुड़ने वाले हैं और ये आपको बताने वाले हैं कि BIM में अगर कैरियर बनाना एग्जैक्टली कैसे बनाना चाहिए। रिसेंट में इन्होंने जॉब ज्वाइन किया BIM में, काफ़ी दिन से परेशान थे, डेफिनेटली हर कोई होता है, लेकिन इन्होंने मेहनत से पीछे नहीं हटे और बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला इनको, एक MNC में सिलेक्शन मिला है। इसलिए मैंने सोचा कि उन्होंने पंकज सिंह को आपके साथ साझा करते हो और ये अपनी बातों को आपके साथ रखेंगे। होप सो बहुत सी चीज़ों की आपको गाइडेंस मिलेगा, कैसे तैयारी किया इन्होंने, कहाँ से पता चला BIM के बारे में। चलिए डीप में डिस्कस करते हैं पंकज से, और साथ ही साथ आप लोग के और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो नीचे कमेंट करना, सो दैट कि हम पंकज से दोबारा भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स से हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पंकज, स्वागत है तुम्हारा यूनिक सिविल पे। हेलो सर, थैंक यू सर। ओके पंकज, सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि तुम, क्योंकि देखो तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? सर 2022। ग्रेट, एकदम फ्रेशर हो। और तुमने तुम्हें एग्जैक्टली BIM का आइडिया कैसे लगा, मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा अपना जर्नी बताना आराम से, रिलैक्स होके। यस सर। सर मैं BTech कर रहा था, तो मुझे BIM के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। फाइनल ईयर तक, फाइनल सेमेस्टर तक भी पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मैं यूट्यूब से साइट के बारे में पढ़ने लगा, वीडियोज देखने लगा। ऐसे एक दिन मैंने फिर आपकी वीडियो देखी, व्हाट इज BIM, तो मैंने एक बार वीडियो ओपन करके देखा, फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो उस वीडियो को देख के मतलब मुझे लगा कि हाँ, अगर ऑफिस वर्क जो इतना बेटर है, मतलब काम तो सारे ठीक होते हैं, लेकिन BIM में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस चीज को लेते हुए मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा और सर्च किया, उसके बारे में धीरे धीरे मैंने फिर देखा क्या होता है करके BIM, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या सीखना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके यूट्यूब में आपकी ही ज्यादातर वीडियो दिख रही थी, तो मैंने सारी वीडियो देख डाली। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया फाइनल ईयर में। तो मैंने ज्यादा नहीं, 2 या 3 महीने में, फिर मैंने कोई सॉफ्टवेयर आता भी नहीं था, तो मैंने महीने में सारे सॉफ्टवेयर नॉलेज ले ली। तो और आपके भी जो जॉब्स अपडेट आते हैं वहां से भी देखते रहता था कि हाँ कहाँ कहाँ जॉब आ रही है, तो मैं अप्लाई करते रहा। इफेक्टिव रेज्यूमे आप आते करके मैंने आपका एक कोर्स परचेज किया था, यूनिक सिविल का BIM का जो कोर्स है वही परचेज किया था। तो वहाँ से काफी आइडिया आया मुझे इस बारे में, तो धीरे धीरे करके करके सीखता रहा। और फिर यहाँ गुड़गांव की एक कंपनी में MNC है, तो यहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, देन इंटरव्यू क्रैक हुआ, अभी ज्वाइन किया मैंने 27th को ही। ग्रेट, और बहुत अच्छा है। तुम्हें कैसे कि तुमने एग्जैक्टली जस्ट पास आउट हुए और जल्दी से जॉब लग गई, तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा टाइम लॉस नहीं हुआ। ठीक है, बहुत से लोगों ने बोला yes. होगा कि इसमें चले जाओ, ये एक्सपीरियंस ले लो, वो कर दो, तो फिर उससे पता क्या होता है कि उन लोग, बहुत से लोग गलती ये करते हैं स्टार्टिंग में कि उनको जस्ट लोगों ने कुछ बताया, जैसे तुमने ना BIM का एक वीडियो देखा तो तुम रिसर्च करने लगे और क्या है BIM में, और क्या है BIM में। लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, हो गया चलो ठीक है BIM भी देखेंगे बाद में। अब वो दूसरों से राय, चंद लोगों से राय लेते हैं, वो राय चंद लोग जिन्होंने कभी वो राय, वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं किया अपने लाइफ में। ठीक है, मैंने ये बहुत लोगों के साथ देखा हुआ है कि सर मुझे, मेरे एक चाचा के लड़के थे, उन्होंने बताया कि ऐसा करोगे कैरियर में अच्छा होगा। बड़े मजे की बात बताऊं कि मैंने पूछा कि वो क्या करते हो, बोले पता नहीं, वो वीडियो बच्चा देखेगा कि नहीं, वो बोलते वो केमिकल इंजीनियर है। तो मैंने कहा केमिकल इंजीनियर ने तुमको कैसे गाइड कर दिया क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता है, बट तुम बहुत लकी हो, प्लस अच्छी बात है कि तुम अवेयर हो। बहुत से बच्चे ना पास आउट होते हैं, तुम खुद ही समझते हो, तुम्हारे साथ के बहुत से बच्चे अभी भी सोच ही नहीं रहे होंगे करना क्या है। ठीक है, वो बोलेंगे अरे अभी तो एग्जाम दिया है, अब आराम से करते हैं, कुछ सोचेंगे ना, और नहीं कुछ तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, भाई मुझे जॉब दे दो और उसके आगे की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कैसे हो जाता लाइफ भी, है ना। तो ये तो बहुत अच्छा कि तुमने, अच्छा तुमने बताओ कि पोर्टफोलियो का क्या रोल रहा है, पोर्टफोलियो तुमने बनाया था? सर हाँ, मैंने पोर्टफोलियो भी बनाया था, मैंने पहले काफी प्रैक्टिस की थी उसकी, पोर्टफोलियो में कौन कौन से मॉडल रखने हैं। तो मैंने आपके एक, आपने एक मतलब सैंपल के लिए दिया था, उसको देखते हुए मतलब कि हाँ कहाँ पे कौन सा व्यू रखना है, तो मैंने भी अपने जितने भी प्रैक्टिस मॉडल
बनाए थे, प्रैक्टिस मॉडल मैंने काफी बनाए थे, मैंने सेव भी किए थे। तो करेक्ट, उन्हीं में से जो मेरे मतलब अच्छे अच्छे मतलब जो अच्छे व्यूज वाले थे, अच्छे मॉडल थे, मैंने उनको अपने पोर्टफोलियो में रखा। सबसे पहले आर्किटेक्चर का रखा और स्ट्रक्चर का रखा, मेरा मेन फोकस आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इन दोनों पे ही था। और अभी जिस चीज के लिए मैं हायर हुआ हूँ, मैं रेविट स्ट्रक्चर के लिए हायर हुआ हूँ यहाँ, ग्रेट, तो मेरा हाँ, तो मैंने पोर्टफोलियो रेविट स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर का ही बनाया था। इसमें ग्रेट, मैंने सारी जितनी भी रेविट की फैमिलीज आती हैं, कुछ फैमिलीज भी बनाई मैंने, रेविट आर्किटेक्चर में हो गया या स्ट्रक्चर में हो गया, तो उसमें फैमिलीज बनाई और उसमें सारे व्यूज दिखाए। रेंडरिंग, तो रेंडरिंग का तो मैंने अभी कुछ सीखा नहीं, अभी सीख रहा हूँ, आपके ही कोर्स में है तो उसको अभी सीख रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने पोर्टफोलियो में यही दो डाले, रेविट स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर। करेक्ट, मतलब प्रयास स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे पाते गए। तो तुमने एग्जैक्टली लिंक्डइन पे भी काफी जॉब सर्च किया और साथ ही साथ जो अपना जॉब साइड वाला चैनल है वहां से भी किया, राइट? लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं सबको बोलता हूँ कि सब लोग इसको यूज करो। लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्यादा टाइम देते हैं, जहां देना चाहिए वहां पर बहुत कम लोग। तो तुम बताओ लिंक्डइन के बारे में, तुम थोड़ा सा बताओ कि लिंक्डइन तुम्हारे लिए कैसा रहा? लिंक्डइन के बारे में मुझे कॉलेज से पता चला। जब मैं हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल थे, तो उन्होंने कहा था कि लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, तो हमने उस टाइम पे ऐसे बना लिया था, पता भी नहीं था कि क्या होता क्या है, बस अकाउंट बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि हाँ, यहाँ से जॉब मिलती है। फिर मैं धीरे धीरे, मैंने अकाउंट तो बनाया था, अकाउंट ऐसे ही बनाया था मैंने, कुछ मतलब ज्यादा चीजें डाली भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे देखता रहा, उसमें पोस्ट आती थी जॉब की, हो गया फिर किसी की पर्टिकुलर प्रोफाइल देखता था। जैसे मैं BIM सर्च करता था खासकर लिंक्डइन में, तो किसी एक की प्रोफाइल उठा के उसकी देखता था, उसने क्या क्या डाला, उसने क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखे हैं। तो फिर मैंने भी उन सब सॉफ्टवेयर पे फोकस किया, फिर सीखा मैंने वहां से भी क्या 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 मतलब लिंक्डइन में क्या क्या चीजें डालनी है और क्या नहीं। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाई हुई है। ग्रेट। और लिंक्डइन यस आई थिंक मुझे लगता है हर एक जो भी निकल रहा है अभी पास आउट हो रहा है सबको बनाना चाहिए, सबके लिए यस बहुत सर, यूजफुल रहेगा। और पंकज एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मतलब लोग जानना चाहेंगे कि यार जब तुमने BIM का इंटरव्यू दिया तो पहले कौन कौन से राउंड्स हुए, थोड़े से राउंड्स के नाम बता दोगे तो बेटर रहेगा सबके लिए। सर मेरा सर 3 राउंड में, तो फर्स्ट राउंड था मेरा टेलीफोनिक, जिसमें हमने पूछा कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं और मेरे बारे में मतलब थोड़ा टेलीफोनिक इंटरव्यू। और दूसरा था मेरा, तो मेरा रेबिट का टूल टेस्ट लिया हमने 2nd राउंड पे। तो फर्स्ट राउंड क्वालिफाई होने के बाद 2nd राउंड पे मेरा टूल टेस्ट लिया हमने, जो कि वो भी क्वालिफाई हो गया। फिर 3rd राउंड था वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल इंटरव्यू। तो उनने आन शान में मतलब पूछा सारे रेविट के सेटिंग्स के बारे में, कहाँ से क्या होता है, और मतलब LODs पूछा मुझे, और 4D 5D क्या होते हैं करके, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था तो मैंने बता दिया था। तो 3rd राउंड भी मेरा क्वालिफाई हो गया, तो अभी जॉब फिर क्लियर हो कर रहा गया। हूँ। ओके सर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, थोड़ा सा पंकज की आवाज़ बीच में कट हुई थी तो मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला राउंड इनका हुआ टेलीफोनिक, जिसमें इनसे इंट्रोडक्शन पूछा गया, क्या करते हैं, कैसे कैसे, ये सब पूछा गया। दूसरा राउंड हुआ इनका टूल टेस्ट, जिसका कैट टेस्ट जिसको हम लोग जानते हैं, या टूल टेस्ट बोलो या मशीन टेस्ट बोलो, सब एक ही है। तो इनको एक डायग्राम भेजा गया, ज़्यादातर रैबिट फैमिली का भेजा गया होगा या फिर रैबिट स्ट्रक्चर्स का भेजा गया होगा, तो इन्होंने बनाया होगा उसको टाइम टी पीरियड के अंदर सेंड किया, ठीक है। तीसरा हुआ इनका वर्चुअल, क्योंकि एमएनसी थी तो वर्चुअल इन द सेंस ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ इनके। इनसे रैबिट के बारे में पूछा गया, LODs के बारे में, 2D 3D 4D जो हम लोग बात करते हैं उसके बारे में पूछा गया। और आई थिंक मैंने BIM को जो कोर्स दिया हुआ है आप लोग को, सब कुछ उसके अंदर है, उसके अंदर से ही सब कुछ पूछा गया है। और ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, और लाइक आई थिंक सभी जगहों पर यही पूछे रहे होंगे अंकल, जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया होगा BIM का। हाँ, मैंने इससे भी पहले काफी इंटरव्यू दिए थे, तो मोस्टली मेरे से यही पूछते थे, व्हाट इज LODs, सारे LODs पूछते थे, 100 200 100 ये सब, और 4D 5D ये पूछते थे, और रेविट के कुछ सेटिंग्स पूछते थे। मेन चीज फैमिली, फैमिली बनाना आता है नहीं आता है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, रेविट का। तुम एक्चुअली मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट नंबर बताओ, बट थोड़ा सा पैकेज लोगों को मोटिवेशन के लिए बता दो कितना प्लस करके, तो बेहतर होगा कि लोग थोड़ा सा उसमें समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, मतलब कि सर्वाइव करने के लिए अच्छा अमाउंट है क्या तुम्हारा, ये बताओ। यस सर, हाँ मतलब ठीक है सर, हाँ मेरे हाँ लिए हो जाता है, मतलब मैं सरवाइव कर लेता हूँ, और मेरा इससे भी कर लोगे मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो पता है, यस ठीक सर, है। मतलब ठीक ही है। हाँ मतलब सेटिस्फाइड हो ना कुल मिला के, कि आपकी फर्स्ट जॉब के लिए बहुत सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अगर यही 12-15 हज़ार रुपये की जॉब होती तो सोचते कि खाऊं कि रहूं गुड़गांव में,
सोचना पड़ता है ये ना, तो इसलिए मैं उस डिस्क्लोज नहीं करने दूंगा, ठीक है। लेकिन ये एक यस ओवरऑल आइडिया आप सब लगा सकते हो कि बेहतर पैकेज बीआई में मिल सकता है। और ये यस अभी 2022, मतलब सोचो अभी जस्ट पास आउट हुआ है पंकज, अभी आगे कितनी बड़ी यात्रा है। आगे बी मैनेजर वगैरह जैसे बनते हैं ना, तो देखना 18-20 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया हुआ है। यस और क्या बोलते हैं, ये जर्नी भी 2-3 साल में ही क्रैक कर लेंगे, पक्का है। सबसे बड़ी चीज़ ना मुझे लगता है पंकज, कि जो अवेयर है वो कुछ ना कुछ कर लेगा, यस सर, ठीक है। जो मैं वेरे वो कहीं ना कहीं से ग्रैब कर ही लेगा जॉब। ग्रैब कर ही लेगा, कर ही लेगा। और यस क्या बोलते हैं, बताओ, मैंने जो जो अपने जॉब्स गाइड का प्रमोशन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जॉब्स गाइड वाला जो यूट्यूब चैनल है अपना, वो हेल्प करता है कि नहीं, बताओ उसको फ्रेंकली। सर, डेफिनेटली करता है, उससे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं कि कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि आज के टाइम पे काफी जो है मतलब फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो सही कहीं कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है, तो वहां से हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, फ्रॉड से ज्यादा है, कुछ लोग तो तुमको भी फंसाने की कोशिश जरूर किए होंगे, 5 हजार दे यस दो, सर, 10 हजार दे दो, है ना, एक जगह सर हुआ था मेरे साथ हुआ इसके था ना। बाद। तो यस ऐसे करके टाटा कंपनी में लगवा देंगे, यहाँ लगवा देंगे। तो सर, मैं तो ये बोलूँगा कि उसमें कभी भी गलती से ना फंसो। यस और अभी आई थिंक तुम नैनीताल से, तुम्हारा मतलब अच्छा ही है गुड़गांव, एक तरीके से नियर बाई में ही माना जाएगा। यस और अच्छे से डेफिनेट सा अभी तुम्हारा जस्ट ज्वाइन हुआ है, अभी धीरे धीरे नेटवर्क तैयार करोगे। मैं तो यही बोलूंगा कि जो बीम के बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे, हब होंगे, उनसे जुड़े रहो, ठीक है। मैं भी एक बीम की कम्युनिटी तैयार कर रहा हूँ, तुमको ऐड करूंगा उसमें। तो मतलब कुल मिला के जिस चीज़ से रिलेटेड हमारा करियर है, उससे रिलेटेड अगर लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना, बहुत हेल्प होती है कि यस नहीं। सर, तो अब देखो, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस का मैंने कई लोगों को बताया कि भाई यही पढ़ना है, अब फिर भी लोग क्या बोलते हैं करने। अच्छा ये बताओ, कम्युनिकेशन का क्या रोल रहा है, कम्युनिकेशन तुम्हें हेल्प किया कि नहीं, जो तुम्हारा यस सर, कंपनी। हाँ कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेरा मोस्टली इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया था, तो और कॉन्फिडेंट के साथ, और जो चीज नहीं आ रही है मना कर दीजिए आप, वो मतलब समझते हैं हाँ कि भाई सब चीज आना जरूरी नहीं है, मतलब जितना भी आ रहा है उतना तो कम से कम एटलीस्ट बताएं, कॉन्फिडेंट होना जरूरी है वहां पे इंटरव्यू पे। यस करेक्ट है, और सही बात है कि अभी बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो मैं तुमसे पूछूं अभी भी नहीं आएगा, क्रैक करने के बाद भी डेफिनेटली, बहुत सी चीजें क्योंकि ऐसी हो सकती मैं हैं भी अभी लर्निंग फेज पे, मैं अभी सीखने में ही हूँ अभी। सीखने में हो। और सेम सबके साथ आई थिंक हर कोई लर्नर है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं खुद भी, मेरे से पूछो कि बहुत से ऐसे काम होंगे जो शायद मुझे नहीं आते, सबको सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, और ये कोई बुराई नहीं है। तो कुल मिला के पंकज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार तुम्हारा जॉब। मैं तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा, तभी मैंने समझ गया कि ये पंकज की बात अगर लोगों तक जाएगी तो बहुत ही अच्छे से मैसेज आएगा, और प्लस लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यार चलो ये अभी भी पास आउट होकर अगर ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। पंकज, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को जो जस्ट पास आउट हैं या फिर 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको क्या कहना चाहोगे बीम के लिए, कि बीम में उनको क्या पढ़ के तैयार रहना चाहिए, अपने आप को क्या करना सर चाहिए। सर मैं तो अभी हाँ बताओ। जी सर, मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप, जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास होंगी, भले आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, स्किल्स है तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। करेक्ट है, और स्किल्स भी ऐसे कि जो प्रोफेशनल लेवल का लगना चाहिए, क्योंकि स्किल्स मैंने देखा लोगों ने सीख रखा है बट वो परफेक्शन नहीं है, तो यस मजा सर, नहीं परफेक्शन आता है उतना अच्छे तरीके से। चलो बढ़िया पंकज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर, मिलेंगे सर, तुमसे इसी बहाने तुमसे वही बातचीत भी हुई। और डेफिनेटली तुमने ये गाइड कर दिया लोगों को कि भाई लिंक्डइन पे यस अकाउंट बना लो, ये समरी रहा हमारे पॉडकास्ट का। दूसरी चीज तुमने बहुत अच्छी चीज बोली कि जॉब्स गाइड पे जो भी ओपनिंग्स आ रही हैं, देखते जाओ, अप्लाई करते जाओ, तो ये एक बहुत अच्छी यस चीज़ है कि जो तुमने, तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया होगा तो फाइनल ईयर का, अब तो ना फाइनल का रिज़ल्ट आ गया है, डिग्री नहीं है अभी। अभी डिग्री नहीं है। हाँ डिग्री भी जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। चलो अभी थैंक यू सो मच पंकज पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और मैं ये लोगों से चाहूंगा, कोई अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है नीचे कमेंट करना। उसे एक बार थोड़ा बता दो, वो जो कैट टेस्ट आया था उसमें रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, रैबिट फैमिली से था कि रैबिट स्ट्रक्चर से था वो। सर दोनों थे उसमें, एक मतलब मेरे को स्ट्रक्चर बनाने को दिया था, बिल्डिंग बनाने को दी थी, ग्राउंड फ्लोर दिया था सर, उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिसको मुझे फैमिली बनानी पड़ी, कुछ डोर विंडो हो गई या फिर टेबल हो गया, कैबिनेट हो गए, मुझे उसकी फैमिली बनानी भी पड़ी। तो फैमिली क्रिएशन तो मैंने आपकी वीडियो से सीखा था, फैमिली क्रिएशन तो मैंने फैमिली भी बना ली थी इजिली, तो ओके, वो टेस्ट कितने घंटे दिए थे तुमको कैट टूल टेस्ट के लिए, सर मुझे दिया था 1.5 आवर दिया था, मतलब कि एक डेढ़ डेढ़ घंटे। घंटा सही था, और इतने में तुम्हारा कर लिया फेस था। फेस टू फेस इंटरव्यू मतलब कि कितने घंटे के लिए यस चला था स्काइप पे हुआ था, स्काइप पे कि इसका, नहीं कितने वो कितने घंटे, आधा घंटा यस सर, लगभग, आधा घंटा ना। और यस उसमें ये तो एलओडी हो गया, ये तो पूछे थे 2D 3D पूछे थे, और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है क्या जो लोग बताना चाहोगे। सर, उनने मुझे रेबिट से और कैट के मतलब जो एक्सटेंशन होते हैं .dwg .rvt, ये बेसिक चीजें ये भी पूछी थी मुझे, फैमिली का क्या होता है, टेम्पलेट पूछे थे, और
और ये क्वेश्चन ये भी पूछा था कि रैबिट में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मतलब पूरा प्रोसेस पूछा था, स्टार्टिंग से क्या करते हैं, हाँ रैबिट टेम्पलेट कौन से लेते हैं, लेवल्स, यूनिट, ये सब भी पूछा था, ग्रेड देखो कितनी कितने। बेसिक चीजें हैं। लोग मैं लोगों से मॉक इंटरव्यू पूछता रहता हूँ कि व्हाट आर द फाइल फॉर्मेट ऑफ रैबिट। लोग सोचते हैं अरे यार सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतना पढ़ के आए छोटी सी चीज पूछ रहे हैं। इसके ठीक है। और तो टेम्पलेट मजे में बताओ क्या कि रैबिट के जो चारों फॉर्मेट्स हैं बहुत कम लोगों को याद रहते हैं भी देते हैं। और लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा। और कुछ याद आ रहा है तुमको जो बताना चाहोगे कि ये भी पूछा था मेरे से? सर और तो मुझसे पूछा था एलओडीज के बारे में भी पूछा था कि इस एलओडीज 300 पे क्या होता है, 400 पे क्या करते हैं, और 4D क्या है, नेविस वर्क आता है पूछ रहे थे, बेसिक का अगर कुछ आता है तो बताओ कह रहे थे नेविस वर्क के बारे में भी, और रैबिट की मतलब रैबिट की छोटी छोटी सेटिंग्स के बारे में पूछ रहे थे कि अगर ये ऐसे होगा तो मतलब इसको कैसे ठीक करेंगे, और क्लैशेस के बारे में पूछा, क्लैशेस कहाँ क्लैशेस, क्लैशेस ये इम्पोर्टेंट के है। बारे में पूछा था कि क्लैशेस कैसे मतलब कैसे पता करेंगे रैबिट में क्लैशेस कहाँ पे हैं करके, ये बहुत सब। बढ़िया। मतलब कुल मिला के वही सारी चीजें थी। यस मैं इसलिए हैप्पी हूँ क्योंकि लगभग लगभग अपने बीआई के कोर्स में लगभग सारी चीजें और उससे सर काम इनका सबका हो जाएगा क्योंकि स्टेप ही सब है और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलो थैंक यू सो मच पंकज। और जल्दी ही अगर लोगों ने और भी बोला कि सर इसके बारे में भी डिस्कस करिए पंकज से, या फिर कल को तुम्हारा प्रमोशन होता तो फिर से एक बार पॉडकास्ट करेंगे हम लोग। ठीक है डेफिनेटली चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। या ओके।